प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में, जहां आप और हम वापस से हम आपके विद्यार्थियों, कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी, इसलिए इंटरनेट इंटरप्ट हो गया था। हम वापस आगे बढ़ते हैं अपने विषय पे। जो आज का हमारा विषय है, जिसके संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे, वो आपके ACC2 MIL हिंदी 1 के पाठ्यक्रम, जो ब्लॉक जिसे हम खंड के नाम से जानते हैं, चौथे का एक ही इकाई है उसमें, उस इकाई पे चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम संप्रेषण, भाव पल्लवन और निबंध लिखन, इन विषयों को मुख्य रूप से आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप सबका धन्यवाद आज की इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। और आज बिना वक्त को जाया किए हम अपने विषय पे आते हैं। उसके उपरांत आप में से किन्हीं के कुछ प्रश्न होंगे तो आप इस चैट बॉक्स के माध्यम से लिख करके अपने प्रश्न मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का, आपकी दुविधा का, आपके द्वंद का निवारण करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। तो आते हैं, बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। जो पहला विषय है जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, एक ही इकाई है, एक ही इकाई के अंतर्गत तीन विषय, छोटे छोटे बिंदु हैं, बिंदुवार विषय है। तो पहला विषय जो संक्षेपण है, जो संक्षेपण क्या है, पहले इस पर हल्की की चर्चा करेंगे। संक्षेपण के आगे हम भाव पल्लवन को बढ़ेंगे, भाव पल्लवन के उपरांत हम लोग निबंध के ऊपर जाएंगे, निबंध किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो संक्षेपण के संदर्भ में जब हम बात करेंगे, इसके शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे, तो संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त या छोटा करना होता है। जैसे हिंदी में एक मुहावरा है ना, किसी भी शब्द को आपको समझना हो तो उसे आप बहुत छोटे छोटे टुकड़े में उस शब्द को विभाजित कर दे, जिससे आपको उसके बारे में समझने में बहुत आसानी होती है। तो यही संक्षेपण के साथ में करें। संक्षेपण जो है वो मुख्य रूप से क्लिष्ट हिंदी, या हम कह सकते हैं लौकिक संस्कृत का एक भाग है। लौकिक संस्कृत से आगे बढ़ते हुए वो हिंदी में अपने अर्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अंग्रेजी में इसके अर्थ के रूप में मुख्य रूप से प्रिसिस राइटिंग शब्द का उपयोग होता है, PRECIS, प्रिसिस राइटिंग शब्द का प्रयोग होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करना, यानी किसी भी बड़े विषय को, बड़े लेख को, बड़े कहानी को, बड़े बात को संक्षिप्त ढंग से प्रेषित करना संक्षेपण कहलाता है। तो शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें, तो शाब्दिक अर्थ में इसका अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करना। और हिंदी में इस शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के, जैसे मैंने पहले ही कहा था, प्रिसिस राइटिंग के अर्थ में किया जाता है। संक्षेपण के लिए संक्षेपणीकरण, सार, सार संक्षेप, भाव संक्षेप आदि शब्दों का ही प्रयोग कर दिया जाता है। जिसमें उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ, आप में से सभी ने अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए, हिंदी अंग्रेजी या किसी भी साहित्यिक विषय के पेपर को याद कीजिए, आपको याद होगा कि 6वीं या 7वीं के बाद के कक्षाओं में जब हम परीक्षाएं दे रहे थे, तो कई बार हमें सार लिखने या संक्षेप में इसका व्याख्या करने, इस तरह के प्रश्न वगैरह दिए जाते थे। तो यही जो है, यही संक्षेपण है। संक्षेपण कुछ अलग नहीं है। आज आप और हम MA या BA के लेवल में इस पर अगर बात कर रहे हैं, तो इसका कतई यह अर्थ नहीं है कि यह उससे भिन्न है। संक्षेपण उसी का थोड़ा सा विस्तार रूप है, क्योंकि आप अभी BA MA के विद्यार्थी हैं, इस रूप में आप इसे पढ़ रहे हैं। पर ये मुख्य रूप से जो आप स्कूली दिनों में एक सार लिखना,
संक्षेप में लिखना, संक्षेप में व्याख्या करना, इस तरह के जो प्रश्न आते थे साहित्य के क्षेत्र में, या चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे ओडिया आप लोगों ने पढ़ा हो, या अन्य किन्हीं मातृभाषा में जिसकी भी शिक्षा दीक्षा हुई हो, उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में इन सब जैसे प्रश्नों को देखा ही होगा। तो संक्षेपण का मुख्य रूप से उदय कहें, या आपके मानस में संक्षेपण की जो सबसे पहली झलक, एक छाप आपको मिली होगी या इसी रूप में मिली होगी, तो इसी को हम साहित्य में संक्षेपण कहते हैं। यानी कि किसी भी विषय वस्तु को संक्षिप्त या छोटा करना संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण के लिए हिंदी में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि संक्षेपणीकरण, सार, सार संक्षेप, भाव संक्षेप आदि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। एक दूसरे अर्थ में अगर मैं कहूँ इसी का भूमिका के रूप में, तो किसी लंबे गद्यांश, अवतरण या विवरण, ध्यान दीजिएगा, किसी लंबे गद्यांश, अवतरण या वितरण को सार रूप अथवा संक्षेप में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण में किसी दिए गए अंश को इस प्रकार छोटा किया जाता है कि उसके सभी प्रमुख तथ्य, भाव या विचार मूल अंश के लगभग एक तिहाई शब्दों में आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में संक्षेपण मूल अंश के लगभग एक तिहाई आकार का होता है। इसमें मूल अंश की भी प्रमुख बातें सार रूप में कही जाती है। एक मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, इन बातों को आप और अच्छे से समझ में आएगा। संक्षेपण का मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। आप लोगों के घर में, या घर में ना भी हो तो आप लोग मुख्य रूप से न्यूज़पेपर तो सबने पढ़ा होगा, जिसे समाचार पत्र भी कहते हैं, दैनिक समाचार पत्र जो रोज हम आपके हमारे घरों में आते हैं, तो उसके आप लोग देखिएगा ठीक, मतलब आपने अगर अपने हाथ में पढ़ा है और इस तरह से देख रहे हैं न्यूज़पेपर, मैं उधर नहीं देख रहा हूँ, मैं अपनी ओर कर रहा हूँ, मैंने न्यूज़पेपर रखा है, मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरा बाई ओर, मेरे दाहिने नहीं, मेरे बाई ओर देखिएगा, एक इतनी पैराग्राफ टाइप की होती है और इतनी छोटी छोटी पैसेज में बहुत सारे न्यूज लिखे रहते हैं। उसके अंतर्गत देखिएगा विस्तार से पढ़े पृष्ठ संख्या 2 पर, विस्तार से पढ़े पृष्ठ संख्या 6 पर ये लिखा होता है, लेकिन हम उस एक पैराग्राफ में पढ़ के उस न्यूज के संबंध में जान जाते हैं। वो पैराग्राफ ऐसा लिखा रहता है कि वो जिज्ञासा हमारे और आपके मन में एक जिज्ञासा जागता है, एक जिज्ञासा का निर्माण करता है कि हम छठवें या दूसरे या चौथे पृष्ठ पर जाकर के उसे खोल करके पढ़ते हैं। क्योंकि शुरुआत में जो जिज्ञासा हमारे अंदर, कौतूहल जो एक आती है, ये क्यों आती है, वह हमें प्रस्तुत उस अंश को पढ़ करके आती है, और उस अंश को 4, 6, 10 लाइन की, आधे आधे 10 लाइन की यहाँ पे उस जिसमें हम पढ़ते हैं पैराग्राफ को, उसके बाद हमारे मन में आता है उसके प्रति जिज्ञासा आती है कि और जाने। तो जिज्ञासा को प्रस्तुत किया जाता है सिर्फ 10 लाइनों में, लेकिन जब हम अंदर जाके पढ़ते हैं तो लगभग 1 से 2 पन्ने की खबर रहती है। तो उसी खबर को यहाँ पे 10 लाइन में उपस्थित करने का कारण उसे संक्षेपण कहा जाता है। जैसे पहले मैंने कहा ना, किसी लंबे गद्यांश, अवतरण या विवरण को सार तथा सार रूप अथवा संक्षेप में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। तो वही उस लंबे से गद्यांश, उस लंबे से न्यूज, उस लंबे से अवतरण को यहाँ पे बहुत छोटे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह प्रस्तुतन की कार्यशैली जो है, इसी को संक्षेपण कही जाती है साहित्य में। साहित्य में संक्षेपण का महत्व की अगर हम बात करें तो साहित्य में संक्षेपण का महत्व बहुत ही पुराना रहा है। पुराना इस संदर्भ में क्योंकि जब से साहित्य में प्रेस परंपरा की शुरुआत हुई है, पहले तो नहीं, क्योंकि पहले ताम्रपत्र, शिलालेखों आदि के द्वारा अपने साहित्य को स्थान दिया जाता था, लेकिन जब से भारतीय समाज में हिंदी साहित्य की बात करें मुख्य रूप से, क्योंकि हम आपको यहाँ हम हिंदी भाषा के संदर्भ में बात करें, हिंदी साहित्य के संदर्भ में बात करें, तो हिंदी साहित्य की जब हम चर्चा करते हैं तो हिंदी साहित्य के चर्चा में हमें यह देखने को मिलता है कि लगभग 18वीं शताब्दी में जब प्रेस का विस्तार यहाँ होता है, चाहे आप प्रेमचंद के रूप में देखें या भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूप में, जब थोड़ी सी विस्तार हो गई थी प्रेस की, तो उस समय देखी जाती थी कि पत्र पत्रिकाएं वगैरह जो है वो लिखी जाती थी, दैनिक अखबार वगैरह छपते थे। संक्षेपण की फिर आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों साहित्य हम आप संक्षेपण पढ़ रहे हैं, क्यों हम आप साहित्य में BA से लेकर के क्लास 5वीं 6वीं तक संक्षेपण पढ़ रहे हैं, तो उसका पीछे का कारण यह था कि संक्षेपण एक कला थी। आज आपके और हम ना जिससे टेलीफोन या व्हाट्सएप या मेल का उपयोग कर रहे हैं, जहाँ पे हम मुख्य रूप से जितने चाहे पन्ने में हम लिख देते हैं मैसेज, जितने बड़े मैसेज चाहे वो चले जाती है, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। पुराने समय में जब संप्रेषण का माध्यम होता था, जिसे आप और हम तार कहते हैं, आप लोगों ने अंग्रेजी जब पढ़ा होगा अपने स्कूल के दिनों में,
तो आपको याद होगा कि टेलीग्राम जो भेजा जाता था, तार जिसे कहते हैं, तो उसके शब्द सीमित रहते थे और हर शब्द के रुपए अधिक से अधिक लगते थे। तो कम शब्दों में बात ज्यादा ज्यादा बात पहुंचाने की जो क्रिया थी, वहीं से इस संक्षेपण का उदय होता है साहित्य में मुख्य तौर पर। और ये आगे बढ़ते बढ़ते साहित्य में एक नवीन धारा के रूप में प्रस्तुत हो जाती है, जहाँ यह आपके नवीन ज्ञान, आपके कौशल पे आधारित हो जाती है कि आप बड़े श्लेख को किस प्रकार छोटे रूप में आप समाहित कर सकते हैं। ये आपके कौशल, या आपके साहित्य के अनुभव, या आपके शब्द भंडार के अनुभव पे मुख्य रूप से टिका होता है कि आप कितने स्वावलंबी हैं, आप कितने समझदार हैं, आप कितने शब्दों को, शब्द के शब्दकोश को जानते हैं। कि जहाँ पे एक लाइन में लिखे हुए, एक लाइन में लिखे हुए, एक पैराग्राफ में लिखे हुए भाव को आप मुख्य रूप से 3 या 4 शब्दों को प्रयोग करके किसी के सामने रख पाते हैं। तो ये आपके कौशल, धीरे धीरे साहित्य में कौशल की एक विधा बन गई। और मुख्य रूप से संक्षेपण के महत्व की बात करें तो भाषा के व्यवहार में संक्षेपण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आज के व्यस्त जीवन में तो इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गई है। जैसे मैंने कहा ना, आज के व्यस्त जीवन, आज किसी के पास इतना समय नहीं कि वो आपसे संवाद कर सके, तो वो आपको बैठ कर कि 2 या 3 पन्ने का लेख या 1-3 पन्ने का आपको मैसेज कैसे लिखेगा, तो किसी के पास उतना समय नहीं है। तो समय अभाव के कारण प्रत्येक मनुष्य अपने कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहता है। तो सच कहे तो कुशल वक्ता, संपादक, संवाददाता, लेखक, वकील, सरकारी अधिकारी आदि का काम इसके बिना नहीं चलता, क्योंकि आप और हम एक दूसरे को संप्रेषण करने के लिए, मैं आपसे संप्रेषण कर रहा हूँ, मेरे पास 1 घंटे का समय, इस 1 घंटे में यह पूरा विषय संक्षेपण हो गया, भाव पल्लवन हुआ, यह निबंध आप तक पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को अगर मैं आराम से करूं तो इसके लिए मैं 2 या 3 क्लास ले सकता हूं, लेकिन अगर मुझे जल्द पहुंचानी है तो मुझे कम शब्दों का उपयोग करके ज्यादा भाव आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करना होगा। यही कारण है कि इसकी महत्वता जो है आधुनिक साहित्य में, आधुनिक हिंदी साहित्य में, हिंदी नहीं, हिंदी के इतर भी है, आप देखें जो भी साहित्य की क्षेत्र रही है, जिसे हम लिटरेचर कहते हैं, लिटरेचर की जिस भी विधा, चाहे उसका अंग्रेजी हो, चाहे आपकी जो भी अपनी मातृभाषा हो, या आपकी राज्य की भाषा उड़िया हो, या हमारी और आपकी अभी के संप्रेषण की भाषा हिंदी हो, तो सब में इसका अपना महत्व रहा है, इसकी आवश्यकता रही है। आधुनिक काल में इसकी और भी महत्वता बढ़ गई है, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है, जितना कम समय में जितनी ज्यादा बातें कोई एक दूसरे के पास पहुंचा सके, तो इस कारण इसकी महत्वता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई है। और इसकी महत्वता को आज आप और हम देख सकते हैं, हम लोग ट्विटर का देख सकते हैं सबसे अच्छा इस्तेमाल, क्योंकि ट्विटर के जो शब्द हैं वो सीमित है, उस सीमित शब्दों में हमें अपनी बातों को लिखना होता है, अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाना होता है। वो एक तरह से मुख्य उदाहरण आप देख सकते हैं संक्षेपण के मुख्य उदाहरण के तौर पर, उसके महत्व के तौर पर आज के समय में ट्विटर पे आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, संक्षेपण के गुण क्या है, क्योंकि किसी भी विधा के बारे में हम जब बात करते हैं तो उसके महत्व तो जान लिए, बट जब तक उसके गुण, कुछ विशेष गुण ना होंगे, वो अपनी पैठ या अपनी अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता है। अगर आपके कुछ बेहतरीन गुण नहीं होंगे, एक ही गुण वाले 100 लोग होंगे तो 100 को तो नहीं रखा जाता है, किसी एक बेहतर अनोखे, हर कोई चाहता है कि थोड़ा सा अनोखा मुझे प्राप्त हो। तो इसी तरह संक्षेपण के भी गुण कुछ होंगे, इस कारण से यह साहित्य में लगभग 1700-1800 के बाद से लेकर के आज 2020 तक बने होंगे। तो हम आगे बढ़कर थोड़ी बहुत चर्चा इनके गुणों पे करते हैं, उसके उपरांत हम फिर इसकी विधि या प्रक्रिया किस तरह से लिखी जाती है उस पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो संक्षेपण के गुण पे अगर हम देखें तो जीवन के हर क्षेत्र में संक्षेपण की उपयोगिता रही है। जीवन के हर क्षेत्र कहने से, यानी कि जैसा मान लो पहले कहा कि चाहे आप सरकारी कामों में देखे, चाहे आप वकालत के कामों में देखे, आप डॉक्टरी के कामों में देखे, जो स्वास्थ्य आपके हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज के समय में ये दौर भी चल रहा है स्वास्थ्य के संबंधी, आप और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें देखता है, वो कोई 4 पन्ने का हमें नहीं लिखता है प्रिस्क्रिप्शन, जो लिखता है वो 4 पन्नों का नहीं लिखता है, एक ही पन्नों में वो एक या दवाई, 2 दवाई लिख देता है, उसकी अपनी अलग हैंडराइटिंग होती है, लेकिन भाव बहुत बड़े होते हैं। ये बीमारी है, ये बीमारी के कारण ये इफेक्ट हुआ है, इस इफेक्ट को संभालने के लिए आपको ये दवाई खानी है, ये दवाई दिन में 1 बार 2 या 3 बार खानी, इतना तक उसमें लिखा रहता है, सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ में नहीं, मतलब अगर हम A4 साइज कहें तो उसमें उसके 2 या 3 प्रिस्क्रिप्शन पुर्जे बन जाएंगे डॉक्टर के। तो उसकी उपयोगिता आप यहाँ भी देख सकते हैं, न सिर्फ सरकारी काम में, आपके स्वास्थ्य में भी जुड़ी हुई उसकी उपयोगिता है। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो कई बार आपने और हमने भावों या विचारों को संक्षेप में प्रकट करने की जरूरत महसूस करते हैं। जरूरत इसलिए क्योंकि सामने वाले के पास इतना समय नहीं है कि वो बैठ करके आपकी बात सुने, ना आपके पास इतना समय है कि आप बैठ करके 1 घंटे या 1.5 घंटे तक अपने भावों को उसको संप्रेषित करें या उसे समझाएं।
इस कारण से इसके गुण बन गए हैं कि साहित्य में, समाज में, संस्कृति में, इस प्रकार वह धीरे धीरे अपनी पैठ को बनाता जा रहा है। और इसकी महत्वपूर्ण बात जो छूट न जाए, वो हम अपनी बात को सरल और शुद्ध भाषा में स्पष्टता के साथ रख देते हैं। यह इसका सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा गुण रहा है संक्षेपण का, कि हम अपनी बात को सरल और शुद्ध भाषा में स्पष्टता के साथ रख देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, पूर्णता तथा भाषा की सरलता और स्पष्टता संक्षेपण के मुख्य गुण हैं। तो संक्षेपण के अगर मुख्य गुणों की चर्चा की जाए, तो उसको मुख्य गुण के रूप में हम कह सकते हैं कि संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, पूर्णता तथा भाषा की सरलता और स्पष्टता संक्षेपण के मुख्य गुण के रूप में देखे जा सकते हैं, जिसका उपयोग आज हम लोग सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तौर पर हमारे दैनंदिन जीवनों में उपयोग करते हैं संक्षेपण के। संक्षेपण की प्रक्रिया या विधि किस तरह से, किसे संक्षेपण कहा जाए, कुछ भी हम एक तीन पन्ने की कहानी को हम लोग आधे पन्ने में उसे सिर्फ और सिर्फ लिख दे तो क्या वह संक्षेपण कहलाएगी? नहीं, कतई नहीं। उसके भावों को, वही भाव जो तीन पन्नों में आपको मिल रहा है, तो वही भाव आपको यहाँ पे आधे पन्ने में, एक पन्ने में मिलेंगे। तभी जाकर के संक्षेपण की जो प्रक्रिया है, संक्षेपण की जो विधि है, वह जब स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा तक पहुंचेगी, तभी जाकर के उसकी यह प्रक्रिया सफल प्रक्रिया हो पाएगी। तो संक्षेपण की प्रक्रिया या विधि को उदाहरणों के द्वारा समझना आपके लिए आसान होगा। तो ऐसे ही पहले कुछ उदाहरण पे बात करते हैं। मान लीजिए आपके सामने यह वाक्य है, रमा खाने पीने के व्यंजन बनाने में प्रतिदिन 5 घंटे का समय व्यतीत करती है। यह मैंने एक वाक्य कहा कि रमा खाने पीने के व्यंजन बनाने में प्रतिदिन 5 घंटे का समय व्यतीत करती है। यदि आप इस वाक्य को ध्यान से देखें, तो पाएंगे कि कुछ फालतू या अनावश्यक शब्द है जिसे बड़ी सरलता से हटाया जा सकता है। व्यंजन खाने पीने के लिए होते हैं, अतः इस वाक्य में प्रयुक्त खाने पीने को हटाया जा सकता है, क्योंकि इन शब्दों का अनावश्यक प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार घंटे शब्द में आ जाने के कारण आप चाहें तो उसमें समय शब्द की अनावश्यक है। कारण यह है कि जो बात घंटे से व्यतीत हो सकती है, वो समय से भी हो रही है। और जब किसी एक ही बात को दोबारा कहा जाता है, तो उसे पुनरुक्ति या पुनरावृत्ति कहते हैं। व्याकरण में आपने, हमने पढ़ा होगा पुनरुक्ति वाक्य, पुनरुक्ति वाक्य। तो संक्षेपण करते समय अनावश्यक और पुनरावृत्त शब्दों या भावों को हटा दिया जाता है। पुनरुक्ति में प्रयुक्त 2 शब्दों में से केवल एक को रखना ही काफी होता है। आप अब संक्षेपण के द्वारा ऊपर लिखित वाक्य को इस प्रकार लिख सकते हैं कि रमा व्यंजन बनाने में प्रतिदिन 5 घंटे व्यतीत करती है। वहां पे जो हमने लिखा था कि रमा खाने पीने के व्यंजन बनाने में प्रतिदिन 5 घंटे का समय व्यतीत करती है, यहाँ पे वही उसी को हमने शुद्ध रूप में यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रमा व्यंजन बनाने में प्रतिदिन 5 घंटे व्यतीत करती है। तो अब देख सकते हैं कि उसमें और इसमें उदाहरण के तौर पर कि कितनी भिन्नता आ गई, कितनी शुद्धता आ गई। एक ही बात को 2 बार यहाँ कही गई है, लेकिन पहले और दूसरे वाक्य में कही गई बातों में बहुत भिन्नता है। उनके भाव तो अलग एक ही हैं, पर उनके शब्द बदले हैं, उनकी सरलता बदली है, वो श्रम्य सौम्य रूप में आपके हमारे सामने प्रयुक्त होती है। तो यह कुछ उदाहरण है कि संक्षेपण की प्रक्रिया किस प्रकार होनी चाहिए। संक्षेपण सरल होनी चाहिए, सुलभ होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, सौम्य होनी चाहिए, और आसानी से एक दूसरे के बीच में समझने और समझाने का कार्य, एक तार के रूप में कार्य कर सके। तो मुख्य रूप से संक्षेपण यही है कि संक्षेपण को हम और आप साधारण रूप में किसी बड़े किसी बड़े भाव को, किसी क्लिष्ट संपादन को, किसी मुख्य रूप से बड़े से पन्ने में लिखे हुए बातों को, भावों को बहुत संक्षेप रूप में किसी के समक्ष प्रस्तुत करने की जो क्रिया है, उसी को मुख्य रूप से हम संक्षेपण कहते हैं। तो संक्षेपण से अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बहुत चर्चा भाव पल्लवन पे करते हैं कि भाव पल्लवन क्या है। तो आगे आप लोगों ने पहले तो जान चुका है संक्षेपण के विषय में, यहाँ हम जानेंगे भाव पल्लवन। भाव पल्लवन के रूप में अगर हम बात करें, तो भाव पल्लवन का अर्थ है किसी सूत्र वाक्य, ध्यान से सुनिएगा, यह थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम भाव पल्लवन जो है की बात करते हैं, तो भाव पल्लवन है वो संक्षेपण का ठीक उल्टा होता है। पल्लवन का शाब्दिक अर्थ है विस्तार करना, यानी कि जहां हम लोग पहले बात कर रहे थे संक्षेपण में, संक्षेपण में कोई भी बात जो है संक्षिप्त हो रही है, तो भाव पल्लव में उसका उलट होकर के
उसका विस्तार हो जाता है। प्रक्रिया दोनों की एक जैसी है, लेकिन दोनों की प्रक्रिया में थोड़ी सी भिन्नता है। जहां संक्षेपण में हम किसी बड़े से विषय को बहुत संकुचित और छोटे ढंग से प्रयुक्त करते थे, भाव पल्लवन में छोटे से विषय को, शब्द को बहुत ही विस्तार रूप में हम लोग बढ़ाते हैं, विस्तार रूप में उसका विस्तार करते हैं, उसे लिखते हैं। लेकिन एक ही समानता दोनों में है कि दोनों में भाव महत्वपूर्ण है। आप चाहे छोटे ढंग से लिखो, संकुचित रूप में लिखो कि विस्तार रूप में लिखो, आपको भाव को एक दूसरे के मध्य जो है पहुंचाने की, जो स्रोत भाषा लक्ष्य भाषा की बात हो रही थी, इन दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। स्रोत भाषा जो हो, लक्ष्य भाषा भी आपको वही भाव के साथ पहुंचानी पड़ेगी। यह भाव पल्लवन में है और यह संक्षेपण में भी है कि स्रोत भाषा जो हो, लक्ष्य भाषा भी आपको उसी भाव के साथ आदान प्रदान करनी पड़ेगी। तो मुख्य रूप से जैसे हमने बात किया कि पल्लवन का, तो पल्लवन का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार करना। अतः भाव पल्लवन का अर्थ है किसी सूत्र, वाक्य, उक्ति, सुक्ति, कहावत, काव्य पंक्ति आदि में छिपे भावों को विस्तार पूर्वक उजागर करना। इस शब्द के लिए अंग्रेजी में हम लोग मुख्य रूप से एम्पलीफिकेशन, आपने एक शब्द सुना होगा, मुख्य रूप से अंग्रेजी का ही शब्द है, एम्पलीफिकेशन, एक्सपेंशन आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाव पल्लवन का हम लोग अंग्रेजी रूप में, जैसा हम लोग शुरुआत में जब हम लोग संप्रेषण की बात कर रहे थे, तो संप्रेषण को हम लोग मुख्य रूप में जब हम बात कर रहे थे, तो उसे हम लोग अंग्रेजी के प्रिसिश राइटिंग शब्द के अर्थ के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे संक्षेपण का। लेकिन जब आप और हम भाव पल्लवन की बात करेंगे, तो भाव पल्लवन के लिए अंग्रेजी में हम लोग मुख्य रूप से एम्पलीफिकेशन और एक्सपेंशन जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक्सपेंशन आपको पता होगा, एक्सपेंशन का अर्थ होता है बढ़ाना, तो एक्सपेंशन जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं भाव पल्लवन की। तो जब हम भाव पल्लवन की बात करेंगे, तो भाव पल्लवन में मुख्य रूप से, पहले तो आप लोगों को उसकी भूमिका के रूप में बता दिए कि वो मुख्य रूप से उल्टा होता है, किसका, संक्षेपण का उल्टा होता है भाव पल्लवन। लेकिन जब हम भाव पल्लवन के महत्व की बात करेंगे, तो उसके महत्व जो है वो भी संक्षेपण से अलग है, थोड़े उलट है। बोलने लिखने में भाव पल्लवन का महत्वपूर्ण स्थान है। सामान्य से सामान्य वाक्यों को भी हम इसका उपयोग करते हैं। मान लीजिए आपने कहा हुआ रोया, केवल इतना कहने से आपकी बात स्पष्ट नहीं होती, श्रोता को जिज्ञासा बनी रहती है कि वह क्यों रोया। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपको उपयुक्त वाक्य विस्तार अथवा पल्लवन करना होगा, पल्लवन करना पड़ता है, पल्लवन करना होगा। जैसे आप कहते हैं वो खिलौने के लिए रोया, इस प्रकार आप देखते हैं कि वह सामान्य से सामान्य वाक्य में वस्तु अथवा भाव के विस्तार की अपेक्षा रही। कभी कभी आप कथ्य को अलंकृत अथवा सुंदर ढंग से भी पेश करने के लिए वाक्यों में पल्लवन की आवश्यकता होती है, या आप और हम उसकी आवश्यकता महसूस करते हैं, प्रयोग भी करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप कहें कि वह भागा, तो इसका आपको संतोष नहीं होगा। इस वाक्य को पल्लवित करते हुए इसे और सुंदर और सुरूप ढंग से आप इस प्रकार कहेंगे कि वह हिरण की तरह भागा। इस प्रकार पल्लवन में मूल में वस्तु अथवा भाव के विस्तार और उसके अधिक विकसित व अलंकित करने की प्रवृत्ति काम करती है। यानी कि पल्लवन के एक उदाहरण, जिसे मैं अपने संप्रेषण के अनेक उदाहरण दिए हैं, पल्लवन की अगर मैं उदाहरण की बात करूं, तो हम और आप वही अखबार का ही उदाहरण दूंगा कि अखबार में हम पढ़ते हैं, अपने बाई ओर देखते हैं, बाई ओर हम देखते हैं कि बहुत छोटे ढंग से किसी विषय को रखा जाता है, वो हमारे अंदर जिज्ञासा प्रस्तुत करती है। उस जिज्ञासा के कारण हम लोग फिर अंदर उसको विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब जो छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप, उसे हम संप्रेषण कह सकते हैं। अंदर में जो भाव, अंदर में जो विस्तृत रूप में, उसे भाव पल्लवन, क्योंकि ये संक्षेपण आपके मन में जिज्ञासा प्रस्तुत करती है। जिज्ञासा के लिए आप अंदर जाकर विस्तृत रूप से उस जानकारी को, उस न्यूज को, समाचार को पढ़ते हैं। वो समाचार को पढ़ने की जो है कला है, वो भाव पल्लवन। तो समाचार पत्र एक सबसे सुदूर उदाहरण है भाव पल्लवन और संक्षेपण को समझने के लिए। संक्षेपण आप इस तरह से उसमें समझेंगे कि जो अंदर विस्तार से न्यूज लिखी गई है, उसे संक्षिप्त रूप में सामने रखा जाता है, जिसे भी आप पढ़ करके उसके बारे में आप जानकारी पा सकते हैं कि उसमें क्या कहा गया, मुख्य रूप से किस पे। लेकिन वही जब आपके अंदर जिज्ञासा प्रस्तुत करता है, और उस जिज्ञासा के कारण आप अंदर के पृष्ठ को खोल करके उस पूरे सार को पढ़ते हैं, पूरे विस्तृत न्यूज को, उस विस्तृत समाचार को पढ़ते हैं, तो वही तरह से भाव पल्लवन कहलाती है। भाव पल्लवन की प्रक्रिया या विधि को और एक अलग रूप से हम एक ढंग से और
पर समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको देशप्रेम शीर्षक पर पल्लवन करना है, आपने जैसा स्कूल के दिनों आपने पढ़ा होगा ना कि एक या दो लाइन में कुछ जानकारी या कुछ विषय लिख दिए जाते हैं, उसमें आपको कहा जाता है कि इसे एक्सपेंड कीजिए, इसे बढ़ाइए, इसे पल्लवित कीजिए, इसके भाव वही आने चाहिए, एक दूसरे से जोड़ते हुए। जैसे कहानी आप लोगों को पता होगा अगर आप लोगों ने अंग्रेजी सीबीएसई मीडियम से पढ़ा है, जैसे मेरी रही है, मैंने पढ़ा है, तो हमें एक बोर्ड के एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन आता था कि 3 लाइन लिख दी जाती थी, उस 3 लाइन को बढ़ा करके हमें 200 शब्दों में कहानी का रूप देना पड़ता था। तो यह जो प्रक्रिया है कि भाव एक दूसरे से जुड़ने चाहिए, वो 3 जो आप लाइन आपको शुरू में दी होगी, 3 पंक्ति जो जुड़ी होगी, वो चौथे से जुड़नी चाहिए, यानी कि जो स्रोत भाषा, यानी जहाँ से वो आरंभ होता है और लक्ष्य जहाँ पे वो समाप्त होता है, तो उसमें जो भाव है वो सारे वाक्यों के भाव एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए और वो कुछ अर्थ रूप में आपके सामने प्रयुक्त होना चाहिए, तभी आपका जो मेहनत होगी वो सफल होगी और उसी के आपको नंबर, आपको अंक मिलेंगे। तो यही मुख्य रूप से भाव पल्लवन की प्रक्रिया रही है, उसकी विधि रही है। फिर भी मैं उदाहरण के तौर पर और एक आपको उदाहरण दे दूं, ताकि जैसा सपोज आपको मान लीजिए देशप्रेम शीर्षक पे एक पल्लवन करना है, यानी कि एक लेख लिखना है, देशप्रेम, देश के प्रति प्रेम होता है, वह शीर्षक आपको मिला है, उस पर आपको पल्लवन करना है। आप इसके विषय में सोचिए और इस विषय पर विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न बिंदुओं को संक्षिप्त सी रूपरेखा बना लीजिए। आप सोचिए कि किन किन बिंदुओं का विस्तार किया जाना है या किन किन पर विस्तार किया जा सकता है। सोचने पर आप यह संक्षिप्त सी रूपरेखा बना सकते हैं। देश प्रेम का अर्थ मैं पहले लिखूंगा, फिर देश से प्रेम क्या होता है उस पर लिखूंगा, देश की उन्नति के लिए प्रयत्नशील होना इस पर मैं कुछ लिखूंगा, आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए मर मिटना इस पर कुछ लिखूंगा, कुछ देश प्रेम के उदाहरण दूंगा, कुछ देश प्रेम के संबंध में कवियों की उक्तियां लिखूंगा। तो यह आपने अपने मन मस्तिष्क में एक रूपरेखा बना ली, लेकिन जब आप लिखेंगे तो इन्हीं रूपरेखा को आप विस्तार करेंगे, इस पर आप विस्तार देंगे, और वो विस्तार किस पे, विस्तार आपके समझ के आधार पर, आपकी भाषा के आधार पर, आपके कुछ नया करने के, कुछ नया लिखने के आधार पर। तो यह आधार जो है आपका तभी सफल हो पाएगा जब वो कोई एक भाव प्रस्तुत करेंगे, यानी कि आप लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते हैं पर उसका कोई भाव निकल करके नहीं आया, आप जो बात को समझाना चाहते हैं वो बात सामने तक अगर ना पहुंची, उसे समझ में ना आए, तो आपका लिखना जो है वो व्यर्थ जाएगा। तो यही जो लेखन की प्रक्रिया है, जो छोटे छोटे बिंदुओं को विस्तार रूप में लिखना और एक लक्ष्य भाषा से स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा के रूप में पहुंचाना, यानी कि भावों को समझाने की जो प्रक्रिया है, यह मुख्य रूप से भाव पल्लवन कहलाती है। यानी कि आपके जो भाव है उसे विस्तार रूप में आप लिखेंगे और वही भाव विस्तार से रूप में लिखने के बाद भी वही भाव संप्रेषित होकर के सामने वाले तक पहुंचेंगे। यह जो प्रक्रिया है यह भाव पल्लवन की प्रक्रिया है, इसी को हम और आप साधारण रूप में भाव पल्लवन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अंतिम विषय पे आते हैं। अंतिम विषय जो आपका हमारा है वो मुख्य रूप से निबंध लेखन है। निबंध और आपने और हमने स्कूल के दिनों में मुख्य रूप से सुना होगा, पढ़ा होगा, निबंध लिखा भी होगा। तो निबंध लेखन की जो प्रक्रिया रही है ये आपके और हमारे लिए कुछ नई नहीं रही है। आपने और हमने कई बार अपने स्कूल के दिनों के शुरुआती दिनों में जब हमारी प्रारंभिक शिक्षा घर पे होती थी, माता पिता हमें पढ़ाया करते थे, तो मुख्य रूप से यह एक बहुत ही कॉमन सा विषय था जो आपके और हमारे समक्ष आता था, जिसपे आप और हम लोग लिखते थे, पढ़ते थे, सीखते थे। निबंध लेखन की जो प्रक्रिया है तो वह भी सीखने की, निबंध लेखन का यह मतलब नहीं होता कि आप कुछ भी आकर के लिख दे, किसी के समक्ष रख दें, उससे पन्ने भर दें। निबंध लेखन की भी एक मुख्य रूप से प्रक्रिया होती थी कि क्या लिखना है, कब लिखना है, कैसा लिखना है। तो इसी प्रक्रिया पे थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य की जब हम बात करते हैं तो निबंध लेखन मुख्य रूप से बहुत पुरानी सी प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है, देखी जाती है। तो थोड़ी बहुत चर्चा निबंध लेखन पर, कि तो निबंध लेखन पर जैसे हम लोग जानते हैं कि निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है, विषय अनंत हो सकते हैं और इनमें से कोई भी विषय चुनने के लिए निबंध लेखन स्वतंत्र है। जैसा पहले ही कहा ना कि निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है, लेकिन निबंध लिखने की प्रक्रिया होती है, निबंध लिखने की जो प्रक्रिया होती है इसी से आपके जो निबंध है वह मुख्य रूप से सामने वाले के समक्ष एक नवीन से छवि के रूप में लिखे जाते हैं, नवीन से छवि के रूप में पढ़े जाते हैं, दिखे जाते हैं। तो निबंध लेखन की जो प्रक्रिया होती है
इसके कई पर्याय हैं, यह प्रक्रिया जो होती है इसके मुख्य रूप से कई पर्याय हैं, सिर्फ कुछ विशेषताएं हैं। सारी भाषा में निबंध को साहित्य की सृजनात्मक विधा के रूप में माना जाता है। निबंध जो है साहित्य की ही देन है, ये कहीं अलग किसी विधा से नहीं आई है, साहित्य में नहीं आई है। लेकिन आधुनिक युग में मध्ययुगीन धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति के द्वार दिखाई पड़ा, इस वजह से आधुनिक रूप में मुख्य रूप से प्रचलित हुआ। इसके संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कहा है कि निबंध लेखन अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता विचरता चलता है, यही उसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है। अर्थ संबंध सूत्रों की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं, भिन्न भिन्न लेखकों की दृष्टि पथ को निर्देशित करती है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। तो इसका तात्पर्य यह है कि निबंध में किन्हीं ऐसी ठोस रचना नियमों और तत्वों का निर्देश नहीं दिया जा सकता जिनका पालन करना निबंधकार के लिए आवश्यक हो। ऐसा कहा जाता है कि निबंध एक ऐसी कलाकृति है जिसके नियम लेखक द्वारा ही अविकृष्ट होते हैं। निबंध में सहज सरल और आडंबरहीन ढंग से व्यक्त किया जाता है। तो यह साहित्य के क्षेत्र में निबंध की मुख्य रूप से विशेषता रही है। निबंध लिखने के जो मुख्य रहे हैं चरण रहे हैं, तो उसके संदर्भ में जो हम चर्चा करते हैं, तो सबसे पहला उसका सबसे पहला जो होता है वह आपके विषय होते हैं, यानी कि आपके निबंध जो है मुख्य रूप से आपके विषय पर केंद्रित होने चाहिए, या नहीं कि आपके विषय कुछ और हैं और आपने निबंध में कुछ और लिख दिया है। नहीं, आपके विषय से संबंधित आपके निबंध होने चाहिए। उसके उपरांत जब हम बात करते हैं तो निबंध लेखन अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटती हुई सूत्र शाखाओं को विचरता है, यानी कि यह आपके मन में आपके स्वानुभूति स्वानुभूति यानी कि समाज में आपने जो अनुभूति की हो, चाहे वो किताबों के माध्यम से हो, चाहे जानकारी के माध्यम से हो, चाहे अपने पुराने ज्ञान के माध्यम से हो, आप कुछ नवीन लिखते हैं, लेकिन उसकी जो धारा होती है वह पुरानी धारा होती है, यानी कि आपके ज्ञान से उपजीत उसकी धारा होती है, इसे निबंध कहा जाता है। निबंध में सबसे महत्वपूर्ण होता है उसकी भूमिका, यानी कि किसी भी चीज के लिए, जैसा मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ निबंध के, मैंने सीधे तौर पर नहीं कह दिया कि निबंध के चरण ये हैं, यहाँ पे ये लिखना चाहिए। जब मैं निबंध पे बात कर रहा हूँ तो मुख्य रूप से भूमिका बता रहा हूँ, निबंध क्या होता है यह चीज आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ। तो किसी भी विधा में जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होती है उसकी भूमिका। सबसे पहले हम उसकी भूमिका पर बात करते हैं, यानी कि उसकी भूमिका किस रूप में लिखी जाती है, किस रूप में उसकी भूमिका रखी जाती है। दूसरी चीज, निबंध के विषय पर अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। आप बहुत कम और बहुत सीमित जानकारी के साथ कभी भी एक सफल निबंधकार न बन सकते हैं, ना एक निबंध लिख सकते हैं। निबंध के विषय पर अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करनी पड़ती है। इसके लिए आप इंटरनेट, पुस्तकालय, किताबों, किसी की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है उस विषय के रूप उस विषय से संबंधित जानकारी इकट्ठा करना। उसके उपरांत दूसरे चरण में हम यह देखते हैं कि पहले से लिखे उत्कृष्ट निबंधों का अध्ययन करना, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है निबंध लिखने में, कि पहले से जो उत्कृष्ट निबंध लिखे गए हैं जिसे आप और हम समाज में एक मार्गदर्शन के रूप में मानते हैं, उसका हम लोग उसे हम लोग ज्ञान करें, उसे हम लोग पढ़े, किस तरह से लिखी गई यह चीज देखे, उसके मुख्य पक्ष क्या रहे हैं, कलात्मक पक्ष, भाषा शैली पक्ष, शैलीगत पक्ष, इन सबको मुख्य रूप से देखें। तीसरे चरण को हम बात करें तो अपने विषय को लेकर अपने जो विचार बनाए हैं उनके चर्चा करें, यानी कि किसी और के समक्ष भी कर सकते हैं, अपने मन में भी, कि आपको अगर निबंध लिखना है किसी विषय पर, जैसे देश प्रेम के आपको निबंध लिखना है और आप उसमें यह आपके दिमाग में आपने एक बैठा लिया है बिंदु के रूप में कि देश प्रेम के संदर्भ में आप एक साधारण से उदाहरण दो कि टिकटॉक कहीं मैं आपको उदाहरण देता हूँ, टिकटॉक में जिस समय स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस के मौके पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जाते थे, अगर आपको देश प्रेम की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आपको देश प्रेम पे एक निबंध लिखना है और आप वहाँ पे एक टिकटॉक का उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे, तो अच्छी बात नहीं होगी ना, आपके निबंध उतने बेहतर लगेगी, क्योंकि देश के सामरिक मुद्दों को लेकर के, देश की स्वतंत्रता अखंडता को लेकर के अभी हाल फिलहाल में उसके ऊपर बैन कर दिया गया है, और जो भी विवाद चल रहा है देश की स्वतंत्रता संप्रभुता को लेकर के, उससे आप और हम बहुत परिचित हैं, तो आप इन चीजों को अगर एक आप विदेशी ऐप को आप अपने देश प्रेम के संबंध में उसमें बिंदु के रूप में बिंदुवार तरीके से अगर उसे समाहित करते हैं
यह उचित नहीं होगा, यह उतना बेहतर नहीं बनेगा। यह आपके लेख को, आपके निबंध को, आपके प्रयासों को, आपके मेहनत को, मतलब एक तरह से मैं कहूँ तो पूरे के पूरे नकार नकार देगा, या नकारात्मक रूप में प्रस्तुत होगा। तो यह एक अच्छा बिंदु के रूप में नहीं होगा। इसलिए जब भी आप निबंध लिखने के पहले अपने मन में कोई विचार या बिंदुवार तरीके से कुछ बिंदु बनाते हैं तो उसकी चर्चा करें अपने मन में ही, या तो अपने किसी वरिष्ठ के समक्ष अपने मन में उस पर चर्चा करें क्या वो लिखना उचित होगा, सही होगा, उसके सकारात्मक नकारात्मक पक्ष पर चर्चा करें, तभी किसी बिंदु को अपने निबंध में स्थान दें। चौथे निबंध की अगर प्रक्रिया की बात करूं तो चौथे रूप में निबंध लिखने से पहले उसकी एक रूपरेखा बना ले, यानी कि आरंभ में हमें क्या लिखना है, मध्य में क्या लिखना है, अंत में क्या लिखना है, आरंभ में भी फिर भूमिका में क्या लिखना है, प्रस्तावना में क्या लिखना है, इन चीजों का एक अपने मन में रूपरेखा के तौर पर, या बुलेट्स पॉइंट की तरफ, एक साधारण शब्द में कहूँ तो बुलेट पॉइंट की तरफ अपने मन में एक बना लें, मन में अपने मानस में बिठा लें कि मुझे इन चीजों को लेकर के बात करनी है। लेखन शुद्ध त्रुटि रहित हो, यह सबसे महत्वपूर्ण है। साहित्य किसी भी धारा में जब आप जाते हैं, किसी भी विधा पर जब आप बात करते हैं, किसी भी विधा पर आप जब चर्चा करते हैं, लिखते हैं, लेखन के कौशल में जब आते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि भाषा सरल होनी चाहिए, जिसे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ही व्यक्ति समझ पाए ऐसा ना हो। आपकी भाषा से साधारण पढ़ा लिखा मनुष्य भी आपकी भाषा को समझ सके, उससे खुद को जोड़ सके, आप स्वयं को जोड़ सके, आपकी भाषा सरल हो, शुद्ध हो, त्रुटि रहित, यानी कि भाषागत उसमें गलतियां ना हो। क्योंकि जब आप निबंध लिखते हैं तो निबंध को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, निबंध की शुद्धता पर मुख्य रूप से ध्यान दी जाती है कि उसमें अशुद्ध विषयों का, अशुद्ध शब्दों का प्रयोग ना हो, आपकी जो मात्रात्मक त्रुटि है वह ना हो, तो इसे मुख्य रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और सातवां इसके बिंदु की बात कर रहे हैं तो रटा रटाया ना हो, पर मौलिक विषय वस्तु हो, यानी कि आपने चार निबंध कहीं से पढ़ लिए एक विषय पे, और चारों के एक निबंध का आपने भूमिका, दूसरे निबंध की प्रस्तावना, तीसरे निबंध की आपने मध्यस्थ विषय, चौथे के सार आपने ला करके एक निबंध में डाल दिया, और आप कहेंगे कि मेरा निबंध बहुत महत्वपूर्ण हो जाए, बहुत बेहतरीन हो, पाठक वर्ग उसे मिले, उसे बहुत सारे पाठक पढ़े, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो भी पाठक अगर आपके निबंध पढ़ने को इच्छुक हो, आपके निबंध को पढ़ने आया हो, वो निश्चित रूप से पहले भी उन्होंने किन्हीं ना किन्हीं निबंधों पर चर्चा की हो, तो इसलिए जब भी निबंध लिखे तो कोशिश करें उसे मौलिक रखें, यानी कि अपने ज्ञान के आधार पर रखें। हाँ, अपने ज्ञान के आधार पर लिखना जरूरी नहीं कि आपके निबंध पहली बार में प्रेमचंद या आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी जैसे आपके निबंध बहुत लोगों के बीच में बहुत ही संप्रेषित हो जाए, बहुत ही लोगों से पसंद करना, ऐसा नहीं होगा। आप गलत करेंगे लेकिन आप उससे सीखेंगे, इसलिए मौलिकता पर ध्यान देने की सबसे बड़ी आवश्यकता है जब आप निबंध पर चर्चा कर रहे हो, निबंध की रचना कर रहे हो। आठवां सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि आप जब भी निबंध लिखे तो वह आपके अनुभवों पर आधारित, तो अनुभव का अर्थ यहाँ पे होता है आपके पूर्व ज्ञान पे, आपके जीवन के अनुभव, वो जीवन के अनुभव आपके किताबी रूप में भी हो सकते हैं, सामाजिक रूप से भी हो सकते हैं, आपके संस्कारों से में प्राप्त अनुभव भी हो सकते हैं, और तो और आपके पूर्व ज्ञान, आपने जीवन के जो अनुभव प्राप्त किए हों आज से या पहले के अनुभवों से, उस पर आधारित अगर आपके निबंध होंगे तो वो आपके जो पाठक वर्ग होंगे उससे बहुत ज्यादा ढंग से बहुत अपनत्व की भावना लिए जुड़ेंगे, अन्यथा आपके जो निबंध हैं वह आपके आपके अनुभव के आधार पर नहीं होंगे, आप कल्पना के आधार पर लिखेंगे तो ना तो आप उन्हें लिखने में उतनी रुचि देंगे, ना सामने पाठक वर्ग जो आपका बैठा हुआ है आपके निबंध को पढ़ने वाला वह मुख्य रूप से उसे जुड़ सकता है, ना अपनी रुचि दे सकता है। नौवां, धीरे धीरे बढ़ते हैं उसके चरणों पर, मुख्य रूप से अगर मैं बात करूँ तो 14 उसके चरण है, तो आठवें चरण बात हो चुकी था और बचे हैं 1, 2, 3, 4, 6 चरण बचे हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो नौवां चरण है वह यह कि हर तथ्य क्रम में हो, मसलन समस्या का कारण, दूर करने को उपाय, अंत में उन सब उपसंहार जिसे निष्कर्ष भी कहते हैं, सभी बातों का उचित क्रम में हो। यानी कि अगर आप एक निबंध लिखते हैं उसमें आप किसी एक विषय को, किसी एक गंभीर विषय को आप रखते हैं तो उसे समझाने का भी प्रयास करें, उसके अर्थों को भी समेटे। जैसा एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ जो जिसे हम लोग कहते हैं विमुद्रीकरण, अंग्रेजी में जिसे नोटबंदी के समय में डिमोनेटाइजेशन शब्द का प्रयोग हुआ, उस शब्द पे अगर आप लिख रहे हैं उसके अर्थ को अगर आप नहीं समझाते हैं तो एक जो साधारण पढ़ा लिखा जो वर्ग होगा जो आपके निबंध के प्रति रुचि रखता है लेकिन जब वो अपने निबंध को पढ़ना चाहेगा उसे उस अर्थ का ज्ञात नहीं होगा, अगर वो डिमोनेटाइजेशन शब्द को सुनता है पहली बार और उसे उसके अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी, क्या अर्थ है,
क्योंकि उसके लिए तो शब्द नया है, ये शब्द आपके और हमारे ठीक है हिंदी साहित्य या अंग्रेजी साहित्य में शब्द वर्षों से पड़ा था, लेकिन वह समाज में कब आया, समाज में देखने को कब मिला, जब विमुद्रीकरण हुआ, जब नोटबंदी हुई, उस दौर में वो देखने को मिला। तो उससे पहले तो उसने कभी एक शब्द सुना नहीं था, सुना भी था तो उसको मानस में उतने मजबूती से वो घर करके नहीं बैठा था कि वो एक ही बार में पढ़ते हुए उसका अर्थ बता दे। तो किसी भी जब आप निबंध को लिखते हैं तो उसके अर्थ को मुख्य रूप से ध्यान दें, उसके अर्थ में स्पष्टता सरलता रखें ताकि वो आसानी से किसी को समझ में आए। फिर जब आप कोई विषय लिखते हैं, कोई समस्या देते हैं, गंभीर विषय, तो उसके कारण को वहां पे रखना जरूरी है। कारण रखते हैं तो उसे दूर करने के उपाय आपके मन में, आपको जो भी लगते हैं तो उसे उपाय क्या, दूर करने क्या उपाय, तो उसे रखें। अंत में उपसंहार यानी निष्कर्ष सारांश इसे जरूर रखें, क्योंकि बिना निष्कर्ष और सारांश के आपकी बातें अधूरी रह जाएगी। 10वां मुख्य बिंदु है अनावश्यक विस्तार या अनावश्यक विचार से बचे, यानी कि जो बातें महत्वपूर्ण ना हो उन्हें ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है कि 15 अगस्त को हमारे भारत ने स्वतंत्रता पाई है, सभी जानते हैं इस विषय को, बारंबार हर जगह लेख में पढ़ा लिखा गया है कि गांधी जी के द्वारा मिली आजादी, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्रामी हुए उनके वजह से आजादी मिली। इन सब बातों को अगर आप निबंध इस विषय पर लिखते हैं, बार बार एक ही चीज आप प्रस्तुत करते हैं, तो वह अनावश्यक सी बातें हो जाएंगी। तो वह सबके मन मस्तिष्क मानस में बैठी हुई चीज है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली, भारत को गणतंत्र कब प्राप्ति हुई। इन सब विषयों को जो अनावश्यक विषय है इन्हें बार बार लोगों के समक्ष रखने से बचे। 11वां बिंदु के तौर पर हम यह कहेंगे कि तथ्यों की पुनरावृत्ति न करें, यानी कि जब आप अपने निबंध को लिख रहे हैं, एक समाज को आप दे रहे हैं, एक शिक्षित पाठक वर्ग को आप अपने निबंध प्रेषित कर रहे हैं, तो तथ्यों की जो पुनरावृत्ति है वह ना करें, यानी कि जो तथ्य है, जो सटीक तथ्य है, उससे कोई छेड़छाड़ ना करें, उसे ज्यों था त्यों रहने दें। आप अपने मन से कोई एक नवीन तथ्य ला करके ना रखें, वरना यह आपको गंभीरता, जो आपके निबंधों की गंभीरता है, उसे उससे गिरा देगी, आपके जो निबंधों में जो गंभीरता है वह नहीं बने रहेगी। 12वां और बहुत मुख्य विषय की शीर्षक और उपसर्ग को रेखांकित करें, क्योंकि जब भी आप निबंध लिखते हैं तो कई बार जब निबंध बड़ा हो जाता है और आपकी हैंडराइटिंग की एक जैसी हो जाती है तो पाठकों को समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ है, इसकी प्रस्तावना कौन सी है, इसकी मध्यस्थता कौन सी है, इसके सारांश कौन से हैं। तो इनका ध्यान रखें, शीर्षक और उपशीर्षक की जब आप चर्चा करते हैं, लिखते हैं, तो उसे थोड़ा सा रेखांकित ढंग से लिखें, या तो उसे अंडरलाइन कर दे, या थोड़े से बड़े अक्षरों में लिखे, साफ साफ लिखे। शीर्षक के उपशीर्षक लिखने के बाद थोड़ा सा जगह छोड़ के अपनी बातों को रखें, जिससे कि वो मुख्य रूप से एक बार में सामने वाले को दिखने या पढ़ने से समझ में आ जाए इसका शीर्षक क्या है, उपशीर्षक क्या है, इसके सारांश क्या है, इसके मध्यस्थ क्या है। तीसरी बात की विषय से संबंधित किसी प्रसिद्ध कवि या महापुरुष की कोई उक्ति स्मृति हो तो अवश्य लिखे, यानी कि जब आप निबंध लिखते हैं, जैसे आप हम लोग कोटेशन के तौर पर एक मुख्य रूप से समझते हैं कि जब निबंध या अपने बात साहित्य में एक विधा है कोटेशन लिखने की, जो आपके साहित्य को और समृद्ध बनाती है, समृद्ध के साथ साथ सामने वाले जो पाठक वर्ग है उसके प्रति आपकी एक छवि आती है जब आप कोटेशन लिखते हैं कि इसने इस विषय के अलावा बहुत सारे लेखकों को, बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा है, इस वजह से इसे उस विषय से संबंधित उनके लेख, उनके आलेख, उनके कोटेशन, उनके एक कहूँ तो स्मृति के तौर पर उनकी उक्तियां इसे स्मरण में है, इस वजह से यह इसे लिख पा रहा है। यह आपकी एक बहुत मधुर और छवि प्रेषित करती है, इस वजह से यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जब भी अपना निबंध लिख रहे हो तो कोटेशन की इन महापुरुषों की उक्तियां जरूर वहां पे सम्मिलित करें, इससे आपके निबंध जो है बहुत बेहतर हो जाते हैं। और सबसे अंत में यह कि दोबारा उसे जरूर पढ़ें, यानी कि आप निबंध लिखने के बाद बहुत ज्यादा जब हम लोग निबंध लिख लेते हैं, हमारी तैयारी अच्छी रहती है, हम उसे समाप्त कर जाते हैं तो हम बिल्कुल ही रिलैक्स तौर पे बैठ जाते हैं, बिल्कुल आराम फरमाने लगते हैं कि हमने लिख लिया जो कुछ, ऐसा नहीं है। निबंध लिखने के जरिए जब भी आप साहित्य की रचना करते हैं, अपने साहित्य में किसी भी विधा पर रचना करते हैं, उस रचना को करने के बाद एक बार मुख्य रूप से उसे दोबारा पढ़ जरूर लें, जिससे क्या होगा आपके जो साहित्य है वह हमने उसमें कुछ गलतियां अगर रह गई होंगी तो यह आपको एक मुख्य रूप से कहूँ तो आपको सहायता प्रदान करेगी। जब आप बहुत लंबा लेख लिखते हैं तो होती है यह मानवीय, अगर मैं कहूँ कि कला है कि भूल हमसे होती ही होती है, किसी से बहुत ज्यादा, किसी से कम, किसी से बहुत कम, लेकिन भूल कहीं ना कहीं रह जाती है। तो इसलिए आप लिखने के बाद आराम की मुद्रा में ना आए, एक बार दोबारा अपने लेख को, अपने निबंध को पढ़ें, जिससे कि आपके कहीं कुछ गलतियां हों जिसे आप लिख सकते हैं।
तो यही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थी जिससे बिंदुवार मैंने तरीके से कहा, जिससे आपके निबंध जो है वो बहुत बेहतरीन ढंग से लिख सकते हैं और आपके निबंध जो है आपके पाठक वर्ग बहुत अच्छे पाठक वर्ग मिल सकते हैं, आपके निबंध बहुत बेहतरीन निबंध हो जाएगी। और निबंध में कई बार अलंकार, अलंकृत, अलंकरण, वाग्जाल, पुनरोक्ति, पुनरावृत्ति, पुनावृत, इन जैसे शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो इन जैसे शब्दों को समझने के लिए आपके पाठ्यक्रम में शब्दावली की पृष्ठ एक अंतिम में दी गई होगी, वहां पे इन चीजों को देखें, उनके अर्थों पर चर्चा करें, इनको अर्थों को समझे। इसके उपरांत अगर किन्हीं के मन में कुछ द्वंद, कुछ प्रश्न रह जाते हैं तो मुझ तक प्रेषित करने का कार्य जरूर करें। तो यह आज का हमारे विषय थे, और इस विषय से संबंधित अगर किन्हीं कुछ प्रश्न हो तो अपने प्रश्न रखे हमारे सामने। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सुना, अपने समय निकाला, अपना समय दिया। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।